वेलकम बैक टू गाइज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव डेयरी व्लॉग्स पे। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पनीर और दही, और वो भी ये कि जो हमारा कारीगर है जो पनीर और दही बनाता है, मतलब मावा वगैरह बनाता है, वो गया हुआ है गाँव में, अपने स्टेट बिहार गया है वो। लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं ना, वो है कि आप जो बल्क में पनीर तैयार करते हो, मतलब काफी ज्यादा लगभग 50 किलो या एक क्विंटल पनीर तैयार करते हो डेयरी पे, आप लोगों का हर जो बंदा दूध वाला है या जो डेयरी पर्सन का बंदा ना, वो जिसको नहीं पनीर बनाना आता, वो हमेशा यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज को सर्च करता है और वो देखता है कि डेयरी पे इतना बल्क में पनीर बनता कैसे, और दिखाते हैं आपको भी कैसे पनीर बनता है। तो अभी मैं घर पे था सुबह सुबह, अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे अपना बॉयलर लगा हुआ है, तो पनीर बनाएंगे और दूसरा हम दही के लिए दूध गर्म करके दही को जमाएंगे। चलिए चलते हैं डेयरी पे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने दोबारा से वीडियोस बनानी शुरू कर दी है, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि मुझे अब मोटिवेट मिले और मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। ये अपना बॉयलर आग ला दी अभी मैंने यहाँ पे, अब ये पंप चालू, यहाँ से पानी चढ़ेगा इसके ऊपर। आराम एक केन और डाल दूंगा। गाइस अभी अपना पनीर के लिए दूध गर्म हो रहा है, ये एक क्विंटल 60 किलो दूध है, 4 टिक्की पनीर बनेगा इसमें, 4 4 टिक्की पनीर बनाने वाला हूँ मैं एक बार में, यानी कि बल्क हो गया एक क्विंटल 60 किलो दूध में। पहले दूध को इसमें छानेंगे अच्छे से, उसके बाद में खट्टा पानी के लिए मैंने पानी डाल लिया केनों में। अभी खट्टा पानी तैयार कर रहे हैं, 40 लीटर पानी लेंगे हम और 350 ग्राम है जो हमारा खट्टा पानी लेंगे। इसको नाप के ये 320 ग्राम, ये हो गया 350 ग्राम पानी अपना। अभी दूध फट रहा है अपना धीरे धीरे, आप देख सकते हैं, इसको हिलाना होता है प्रॉपर तरीके से और धीरे धीरे इसमें पानी डालना होता है। अब इसका देखो रंग बदल रहा है दिल के, ये मान के चलो आप 80 लीटर दूध में 40 लीटर पानी पड़ जाता है। अभी पनीर फटके तैयार हो गया है और अब इसको अपने कपड़े में छान के बांध देंगे पनीर को अच्छे से। अभी देखिए Thank you.
पानी और गर्म है फ्रिज में तो बटर मिल गया पर बस मिल गया नीचे खड़े कर दियो पहला पुरानी साठ है मिल गया अगला दिन हो चुका है क्यों सुबह अभी मैं जा रहा हूँ डेयरी पे और कल हमने देखा कि खोआ प्लेन घीदार खोआ और पनीर बनाया था तो पनीर वो मैंने आता तो फ्रिज में लगा दिया था अभी वो पूरा ठंडा हो गया एकदम सेट है और आज हमको पनीर को भेजना है यहाँ से लगभग मेरे से 100 किलोमीटर दूर तो उसकी मैं पैकेजिंग वगैरह करके उसके बाद में उसको भेज देंगे यहाँ से बाय बस तभी आपको जाके दिखा देता हूँ कि पनीर कैसा बना है वो कैसा है पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से। हाँ और दही है जो दही आज के दिन बनाने वाला हूँ वो एक अलग वीडियो में आ जाएगा। आज दही और पनीर वापस से बनाएंगे और खोया भी बनाएंगे तो अभी चलते हैं। कल हमने 70-80 किलो के बीच में पनीर बनाया था ये आप देख सकते हो सामने अभी लगभग 5 से 6 टिक्कियाँ हैं इनका मैं अभी वेट कर रहा हूँ और ये देख लो आप 36 किलो 800 ग्राम पनीर का वेट है सारा। तो ये ऐसे इस तरह से पनीर बनता है।